हेलो दोस्तों, डिजिनेक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो जीएस पेपर होता है उसमें आप अपने अंदर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए मैं टिप्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो आप यूज करोगे तो आपके अंदर भी जीएस पेपर बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यूपीएससी का जो लड़का सब तैयारी करता है, उन लोग का क्या कॉन्सेप्ट है कि जीएस पेपर इतना स्ट्रांग हो जाता है जो मेन पेपर है, तो वो लोग क्या करता है ना, थोड़ा थोड़ा करके जीएस पेपर को पढ़ता है। उसमें कोई लोग एक ही बार में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ लेता, कि कुछ पता है सबको कि जीएस पेपर बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, समुंदर है। तो इसको कॉन्सेप्ट यही यूज करना है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, और जो थोड़ा पढ़ रहा है उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन टाइम कम से कम देखो। जितना ही पढ़ा ना उसको तीन बार देखो। तो उसी के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा इस सीरीज में जीएस टॉप 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको सातों पेपर को कवर किया हुआ है। इसमें जो इधर हो गया पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इन सातों पेपर का क्वेश्चन को कवर किया गया है। इस वीडियो का लेंथ कुछ ज़्यादा नहीं होगा, 4 से 5 मिनट होगा, जो आपको एक दिन में कम से कम नहीं तो तीन बार देखना है, क्योंकि 5 मिनट तो आप लोग गाना भी सुनते हैं। तो इसको आप देख लोगे तो काफ़ी नॉलेजेबल है, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे इसको हम बनाए हैं। तो इस वीडियो में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना, बेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में इनमें से कौन इंग्लैंड गया था? तो बेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में इनमें से कौन इंग्लैंड गया था? तो इसका सही आंसर जो है वो है ए नंबर, जीके गोखले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में आक्रमण किया था? भारत पर जो आक्रमण किया था, मुस्लिम आक्रमण था, वो कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, वो ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ये हम लोग का पॉलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर के एम मुंशी, सी नंबर में महात्मा गांधी, डी नंबर अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए, नजी महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की संविधान सभा के अस्थाई सभापति कौन थे? भारत के अस्थाई सभापति पूछ रहा है, जो भारत की संविधान सभा के अस्थाई सभापति। तो ऑप्शन दिया है इसका ए नंबर श्री सच्चिदानंद, बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, और डी नंबर में जो दिया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भूगोल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक, बी नंबर में दिया 67 डिग्री 8 मिनट पूर्व देशांतर से 98 डिग्री 52 मिनट पूर्व देशांतर, सी नंबर में 57 डिग्री 8 मिनट से पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, और डी नंबर में दिया है 65 डिग्री पूर्व देशांतर से 95 डिग्री पूर्व देशांतर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ऑप्शन दिया ए अंडमान निकोबार, बी इंदिरा पॉइंट, सी लक्षद्वीप, डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो इंदिरा पॉइंट है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ अवस्थित है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जेनेवा, डी वाशिंगटन डीसी। ये विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के बारे पूछ रहा है। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, जो इसका सदस्य है उसका आर्थिक विकास, उस देश का आर्थिक विकास के लिए काम करता है।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो फिजिक्स का है। फिजिक्स का है क्वेश्चन क्या है ना, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? ऑप्शन दिया है ए समय, बी दूरी, सी वेग, डी विस्थापन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये केमिस्ट्री का है। इसमें पूछ रहा है विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो ऑप्शन दिया है ए उदासीन, बी पॉजिटिव रूप से आवेशित, सी नेगेटिव रूप से आवेशित, डी इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उदासीन, क्योंकि परमाणु यानी एटम में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान रहता है, तो वो उदासीन होगा। इसका एक तो एटम्स है जो एक्सेप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा शरीर के उत्तकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में कौन सा शरीर के उत्तकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिया ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन और डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या, प्रोटीन, ए ऑप्शन प्रोटीन। नेक्स्ट हम लोग एक इसमें रखे हैं क्या, क्वेश्चन ऑफ द डे रखे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन ऑफ द डे जो है ये आपको खुद कमेंट करके आंसर बताना है, और कमेंट करके खुद आंसर बताना है इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या है आज का, शब्द चक्कर किस खेल से संबंधित है? ए निशानेबाजी, बी घुड़सवारी, सी कुश्ती, डी पोलो। तो इसमें से जो आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है। और हाँ, वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं रखेंगे, आज इंट्रोडक्शन वीडियो है इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसके बाद 4 से 5 ही मिनट का लेंथ का वीडियो होगा। आपको कमेंट करके बताना है कैसा आपको वीडियो लगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।